नाथपंथी पदों को प्रस्तुति परक गायन कार्यशाला का आयोजन बुधवार संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश एवं दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में संगीत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह रही। इस दौरान माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग के सदस्य डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी के निर्देशन में कार्यशाला में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं द्वारा नाथपंथी पदों को गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के अध्यापकगण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, आज नाथपंथी पदों के गायन की जो कार्यशाला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्कृत अनुभाग के द्वारा महाविद्यालय को प्राप्त हुई है, उसी का उद्घाटन है और उसके उत्तर प्रदेश संस्कृति अनुभाग के सदस्य हैं डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी जी, उन्हीं के निर्देशन में यह कार्यशाला मैं आयोजित करा रहा हूँ, जिसमें महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के, सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज, एमजी कॉलेज, अन्य संस्थाओं के भी उच्च शिक्षा के अपने विद्यार्थियों को मैंने आमंत्रण दिया है, वो हैं इसमें और कुल इस समय लगभग 40 से ऊपर प्रतिभागी प्रतिभागिता कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जिस गोरक्षपीठ की संस्था में हम सेवारत हैं और गोरखपुर जिसके नाम से दुनिया में जाना जाता है, उस नाथपंथी विधा के जो पद हैं हम उसको भुला चुके हैं। हम मीरा को, रसखान को, अन्य को तो याद रखते हैं और रखना भी चाहिए, वह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नाथपंथ के जो हमारे पद हैं वो जो पहले कभी प्रचलित रहे होंगे हम उसको भुला बैठे हैं, जबकि उसमें एक एक पद में सूत्र के रूप में है और उसके अर्थ बहुत ही विशाल है, उसमें दर्शन छिपा हुआ है। तो अगर हम अपने विद्यार्थियों के माध्यम से जन जन तक इसको पहुंचाएंगे तो वह जो एक हमारी पुरानी संस्कृति की धरोहर जो कहीं छिपती चली जा रही थी, समाप्त तो होने के कगार पे प्रतीत हो रही है, वो कम से कम जनमानस में आए और आने वाली पीढ़ी उससे परिचित हो।
यह भी संस्थाओं का दायित्व है और इसी का निर्वहन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि महाविद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारी जिसकी भी जहाँ आवश्यकता है वो उसमें अपना सहयोग कर रहा है और ये कार्यशाला बहुत अच्छे से चल रही है। इसको इसका जो प्रस्तुतिकरण होगा वो महाविद्यालय का जो स्वर्ण जयंती समारोह 25 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित है उसमें 30 तारीख को समापन की पूर्व संध्या पर सायं 6:30 बजे इसकी प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही आज मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उषा सिंह जी को मैंने आमंत्रित किया है ताकि वो आएँ और आई भी हैं कार्यक्रम में उपस्थित हैं ताकि उनका एक मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को इस दिशा में मिल सके क्योंकि संगीत मेरा विषय नहीं रहा है उसमें रुचि हमारी रही है। धन्यवाद।